दोस्तों 15 दिन पहले के एपिसोड में हमने इंडिया की सबसे पहली टनल कार वॉश कहाँ पे होती है उसका शूटिंग बताया और उसका बढ़िया से बढ़िया खाना बताया। पिछले एपिसोड में हमने गुजरात का सबसे पहला एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट जो गुजरात का पहला है और वर्ल्ड का नाइन्थ नोवा है वो बताया। लेकिन आज मैं आपको जहाँ लेके आ जा रहा हूँ वो है सूरत का सबसे पहला खमन, रसा वाला खमन, जो कम से कम 50-55 साल से पहले शुरू हुआ था और उसके बाद ये सफ़र अभी से शुरू हुई है और वो कंटिन्यूसली शुरू ही है। उससे बढ़िया यूनिक रसा वाला खमन सभी लोग बनाते हैं लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे ज़ोरदार टेस्टी खमन यहाँ पे मिलता है। फिर भी हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। ऐसा तो मैं रेगुलर आपको खाता ही हूँ, अब आप आके हम देखते हैं कि वो कैसा है। चलिए काका, आपको यहाँ का रस्सा वाला खमन कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। कितने साल से आप खा रहे हो भाई? 33 साल से। 35 ईयर्स से। और सूरत में तो रस्सा वाले खमन वाले तो बहुत 150 से 200 या 500 हो गए। सबसे पहले ये चालू हुआ था सूरत में। अच्छा, तब से आप यहाँ से? हाँ। और टेस्ट में बेस्ट वही ने वही टेस्ट है, 35 साल से एक ही टेस्ट चलता है, कोई चेंजिंग नहीं। एक साल कितनी प्लेट लग जाएगी? 100, एक साल में 100 प्लेट लग जाएगी, 100 आ जाएगी इसके। और ये पूरे दिन में कितनी हो जाएगी? वो कोई गिनती का नहीं, कोई गिनती नहीं होती है। पूरे दिन में कितनी जाएगी उसकी कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। देखो ये सब जाएगी है। जैन में ओनियन नहीं आएगा इतना है ना? जैन का अलग आएगा। अच्छा, उसमें सलाद नहीं डालते, इसमें सलाद नहीं डालते। ये पूरा कंप्लीट हो गया और उसको भी प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं। ये बन जे भाई दादी रोकड़ा, ये यहां से बन के आ गए। वाओ, तो देखिए कितनी स्पीडी सर्विस है और आप क्राउड भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आप सुबह में 7 बजे भी आओगे या शाम को 7 बजे भी आओगे, आपको इतनी भीड़ मिलेगी। और सिर्फ 20 रुपये में प्लेट है, और अनलिमिटेड रसा भी, अनलिमिटेड सलाद भी, अनलिमिटेड कितना भी खाओ 20 रुपये में, और पार्सल का 30 रुपये, और पार्सल होगा तो पार्सल का वो 30 रुपये। पार्सल ही अगर आपने यहाँ का रसा वाला खमन नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। हमारे सामने बनाया, देखिए सिर्फ अभी 30 सेकंड हुए तो 50 हो गया। 40 रुपया ले लीजिए।
और ये खमन के साथ बाजू में लस्सी जो मिलती है वो भी लाजवाब है। ये खमन का टेस्ट करेंगे, उसके बाद लस्सी का भी हम टेस्ट करेंगे। सूरज भाई ध्यान दीजिए। और पूरा टोकन सिस्टम ही है, आपको टोकन लेना है और टोकन लेके यहाँ पे ये जमा हो गए और बाद में ही आपको प्लेट मिलेगी। क्योंकि बढ़िया से बढ़िया गरम मसाला के साथ बनता है। कोरोना को भगाना हो तो हमारे रेस्टोरेंट खमन उसके उसके अंदर बहुत ज्यादा हमारी कोरोना में हम बहुत ज्यादा हमारी भीड़ रही थी। अच्छा, वो रस्ता आता है उससे सर्दी खांसी सब अच्छा हो जाता है, तो उसकी स्पेशल कोरोना की वो चीज है। ओके ओके ओके। 1986 के अंदर राज बब्बर आया था। 1986 में 1986 में राज बब्बर जी आए थे। हाँ, राज बब्बर और दीपक पराचो जो शराबी पिक्चर में अमिताभ बच्चन के साथ था ने, वो जो शूटिंग में वो पुलिस की नौकरी थी, वो राज दीपक पराचो आया था। तो ये आप हमारी शॉप कब शुरू हुई? ये इसको 51-55 बरस हो गए हमारे। 55 साल से है। तीसरी पीढ़ी चल रही है और मेरे खुद को 20 साल हो गए। आप 20 साल से? हाँ, मैं तो आपको देखता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रेगुलर खाने आता हूँ। और मेरे पापा ने उसके पहले मेरे दादा, आपके पापा और उसके पापा यानी आपके दादा ने वो शुरू की थी। दादा ने दादा ने तो खाली खमन से चालू किया था, ये मेरे चाचा ने चालू किया था सावला में। अच्छा, रस्से का आइडिया उन्होंने लाया, अशोक भाई। तो रस्सा वाला खमन का ऐसा कोई तो बर्थ यहाँ पे हुआ ऐसा बोल दिया? तो जन्म यहाँ हुआ, बाद में सब सूरत में, सब सूरत में छोटा छोटा, लेकिन ऐसा अपने जैसा टेस्ट भाई भाई मेरा सावड़ देखो चुरी अगर सावड़ ये अगर भाई वीडियो उठा ले, ये भाई टोकन ले लो बड़े सावड़ ये का वीडियो उठा ले इसमें कटोरिया भी स्लाइस में आ गया है ना। हां है और चीजें बोलो ना। अच्छा ओके, चलो अब टेस्ट करते हैं। तो ये प्लेट तैयार हो गई है और हम उसका टेस्ट लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया मैं 20 साल से खाता हूँ, तो 20 साल पहले का जो टेस्ट था वही टेस्ट है, कोई चेंज नहीं है। और ये गर्मा गर्म है ना, वो खाने में और मज़ा आता है। मुझे इसमें थोड़ा रसा ज़्यादा चाहिए और थोड़ा स्लाट ज़्यादा चाहिए, वो मैं लेके आता हूँ। इसमें थोड़ा सोनो थोड़ा इसमें रसा डाल दिया और थोड़ा स्लाट। तो इसमें देखिए मुझे वो ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा स्टार डाल दिया है। ये बढ़िया सर, ये बढ़िया है, बढ़िया तो सब जगह होता है लेकिन वो बढ़िया से बढ़िया है, लाजवाब। तो इसके ऐसा टेस्ट कहीं कोई जगह आता ही नहीं है। क्या तो सही में बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी हम पार्सल कर लिया। कितना पार्सल ले रहे हो? ये 4 पार्सल है। इससे अच्छा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा सूरत में, कहीं भी नहीं। अरे कहीं भी नहीं, हमको कहीं गारंटी, बिल्कुल पक्का गारंटी। ये चाचा की गारंटी है कि उससे बढ़िया कोई नहीं है। ओके, गुजरात में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलता है। मतलब गुजरात में नहीं मिलेगा, पूरे गुजरात में नहीं मिलेगा। पूरे गुजरात में कहीं से भी जाओ वो यही खाने आता है। अरे वाह, सही बात है। लेकिन सही बात है, इससे अच्छा टेस्ट कोई मिलता ही नहीं। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। वो चाचा ने बताया था ना
ये कोरोना में ये ज़्यादा चलता है, तो इतना बढ़िया गरम मसाला है, इससे अच्छा टेस्ट कोई का ही नहीं। इसमें क्या इंग्रेडिएंट है आइए मेरे पास, मैं बताता हूँ। इसमें खमन है, उसकी ग्रेवी है जो गरम मसाले में बनाई गई है वो दाल, सेब है, खमन भी खुद ही बनाते हैं, उसमें जो सलाद बनाते हैं उसमें ऑनियन, कॉबीज, ककुम्बर, धनिया, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है उन लोगों का प्यार है उसमें, क्योंकि अब जितना भी खाना चाहो, जितनी बार ग्रेवी लेना चाहो, अब आराम से 20 रुपये में अपना पेट कंप्लीट कर सकते हो और अब आराम से आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो चलो मैं ये सेव खमन एंजॉय करता हूँ। हमारे साथ ये चाचा है, आपको एक दो नहीं 10 बंदे चाहिए, 10 मिनट को 10 बंदे मिल जाएंगे जो यहाँ 30-35 साल से खाते हैं, मिलते हैं चाचा। 30 वर्ष जो यहाँ खाऊँ छू, 30 वर्ष थी गया मैंने, હું કોલેજમાં ભણતો હતો ત્યારે અહીંયા જ હું નાસ્તો કરીને જતો હતો, ખાલી લારીથી ચાલુ કરેલું આજે, એમનો રસાનો ટેસ્ટ ત્યારે બી એ જ હતો અને આજે બી એ જ છે। તો જે અંકલ કોલેજ કરતે થે યહાં નાસ્તા કરકે વહાં જાતે થે, જબ આપને યહાં શરૂ કિયા તો યે પ્લેટ કિતને કી મિલતી થી? પહેલે 5 રૂપિયામાં, ઉસ ટાઈમ વો 5 રૂપિયે કી પ્લેટ થી, અભી વો 20 રૂપિયા મિલ ગયા, ટેસ્ટ સેમ બેટા। ये खमन खाने के बाद हम लस्सी पियेंगे। मजा आएगी, मौज पड़ी गई। देखिए ये पूरी प्लेट सबसे बढ़िया। अब चलते हैं लस्सी पीने के लिए। हमने रस्सा वाला खमन खाया, बहुत टेस्टी, मैंने जैसे आपको बताया, लेकिन खमन खाने के बाद लस्सी, लस्सी भी इतनी पुरानी है और बहुत सारी वैरायटी की लस्सी मिलती है, तो चलो हम लस्सी का टेस्ट करते हैं। भैया आपकी सबसे बढ़िया लस्सी कौन सी है? मलाई काजू लस्सी पी लो, एक बार जो पिएगा ना वो बार बार आएगा ऐसा है। मलाई काजू, मलाई काजू बढ़िया, सबसे बढ़िया लस्सी है ना वो मैं पिला दीजिए, क्योंकि हमन खा के तीखा लगा है लेकिन मजा आ रहा है, अब लस्सी खाते हैं। अभी लस्सी पियो आप, बढ़िया वो बना के देता हूँ।